गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर फ्रेंड्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट. मैम विल टेक योर टेस्ट ऑन 20 ऑफ जनवरी. ओके, सी हियर, ओपन पेज नंबर 110. एज वी वॉक थ्रू द मैजिकल रेन फॉरेस्ट, बर्ड्स कॉल्स विद फिल द एयर. There are hundreds of birds to be found here, but we are looking for a special group of friends, the hornbill. Students, rainforest में आपको hundreds of birds मिलेंगे, लेकिन हम किसके लिए searching कर रहे थे? Hornbill के लिए. हमारे जो main friends of the rainforest, जिनके बारे में हमने इस chapter में study किया था, वो कौन है? वो है hornbill. Okay बेटा? अब hornbills में क्या-क्या qualities होती हैं? See here. बेसिकली आपको हॉर्नबिल्स कहाँ मिलेंगे? फिक ट्री के पास. कौन से ट्री के पास? फिक ट्री के पास. और हॉर्नबिल्स के क्या नहीं होते? फैदर्स नहीं होते, जिसके थ्रू वो अपने अदर बर्ड्स की तरह फ्लाई कर सकें. ओके, जब वो फ्लाई करते हैं तो द विंड रशेस थ्रू देयर विंग विद अ लाउड वुश. तो लाउड वुश की साउंड आती है. वो साउंड कौन सी होती है? क्रॉकिंग एंड बार्किंग. हॉर्नबिल की कितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्नबिल्स हैं जो वर्ल्ड में हैं? वो हैं 54. ओके, और जो हॉर्नबिल्स होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं? वो एक गोल्डन येलो बीक होती है उनकी, और फेस के ऊपर एक हेलमेट बना होता है, हेलमेट टाइप होता है. सॉफ्ट वाइट फैदर्स होते हैं जो उनकी नेक को डेकोरेट करते हैं, और विंग टिप्स यू कैन सी हियर. और इनके जो मेल्स और फीमेल्स होते हैं वो देखने में बिल्कुल सिमिलर लगते हैं, बट इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? फीमेल्स आर यूजुअली स्मॉलर विद वाइट आईज. जो फीमेल्स होते हैं वो यूजुअली स्मॉलर होते हैं, उनकी वाइट आई होती है, जबकि जो मेल्स होते हैं वो ब्राइट रेड आई के होते हैं. ओके, जितने भी हॉर्नबिल्स होते हैं उनका एक थ्रोट पाउचेज होते हैं जिसमें अपना फूड कैरी करते हैं. दिस वे दे डू नॉट हैव टू मेक सेवरल ट्रिप्स टू कलेक्ट फूड. उन्हें फूड को कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा ट्रिप भी नहीं करनी पड़ती है. इसमें जो मदर हॉर्नबिल होती हैं वो तो अपने एग्स को ले करती हैं और उनकी टेक केयर करती हैं, और जो फादर हॉर्नबिल होता है वो फूड सर्च करके लाता है. ओके, जो हॉर्नबिल्स होते हैं वो अपने जो नाइट का जो स्टे बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं? टॉल ट्री की ब्रांचेस पे. और हॉर्नबिल बहुत ही क्लेवर होते हैं. वो अपने आप को किससे सेव करके रखते हैं? जो भी हंटर्स होते हैं उनसे सेव करके रखते हैं. कैसे? वो अपना होम कहाँ बनाते हैं? फॉरेस्ट के एजेस में जो ट्रीज होते हैं वहाँ बनाते हैं. क्रंचिंग एंड मंचिंग विद ग्ली. वो खुशी के साथ क्रंचिंग मंचिंग करते हैं और अपने फेवरेट फूड को गोबल करते हैं. उनका फेवरेट फूड कौन सा है? फिग है. ओके, और बिसाइड्स फ्रूट्स के अलावा हॉर्नबिल क्या क्या खाते हैं? वो स्मॉल रेप्टाइल्स खाते हैं जो कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और दूसरे जो बर्ड्स होते हैं उनके नेस्ट से उनके एग खाते हैं. हॉर्नबिल अपना फूड खुद स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं उसको. हॉर्नबिल के अंदर मेन चीज़ वो क्या होती है? जो हॉर्नबिल्स होते हैं वो नेचुरल फार्मर्स होते हैं फॉरेस्ट के. नेचुरल फार्मर्स कैसे होते हैं? वो दूसरे जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनके लिए फूड बनाते हैं. कैसे? वो अपना फूड खाने के बाद जो वेस्ट होता है, सीड्स, वो सब कहाँ? बिखेर देते हैं फॉरेस्ट में, जो दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए उनका फूड बन जाता है. बट लेकिन आज के टाइम में जो हॉर्नबिल्स हैं उनकी हॉर्नबिल की जो स्पाइसेस हैं वो बहुत डेंजर में हैं. क्यों है? क्योंकि जो हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं? इनके फैदर्स के लिए इनका शिकार कर लेते हैं. इस वजह से ये डिसअपियर होते जा रहे हैं. बट बेटा, इनके डिसअपियर होने की वजह से पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो इफेक्ट हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नेचुरल फार्मर्स हैं रेन फॉरेस्ट के. ओके बेटा, नाउ ये तो था हमारा चैप्टर, जिसके चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए. अब हम चलते हैं बुक वर्क की तरफ. ओके बेटा, सी हियर, कंप्लीट द सेंटेंसेस. दीज ऑल आर सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द चैप्टर. ये सारे के सारे कंप्लीट द सेंटेंसेस चैप्टर पे बेस्ड हैं. अगर आपने अच्छे से चैप्टर रीड किया होगा तभी आप इनके आंसर्स दे सकते हो. एज दे लैंड द हॉर्नबिल स्टार्ट क्रॉकिंग एंड बार्किंग. हॉर्नबिल की क्या होती है? गोल्डन येलो बीक एंड अ हेलमेट ऑन टॉप ऑफ देयर ब्लैक फेसेस. हॉर्नबिल कैरी फ्रूट्स इन देयर पाउचेस. वो अपना फ्रूट्स पाउचेस में कैरी करते हैं. सो दे डू नॉट हैव टू मेक सेवरल ट्रिप्स टू कलेक्ट फूड. इसे उन्हें फूड कलेक्ट करने के लिए ट्रिप्स भी नहीं करनी पड़ती ज़्यादा. हॉर्नबिल स्प्रेड सीड्स अक्रॉस द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में वो सीड्स को स्प्रेड कर देते हैं. अलाइंग न्यू प्लांट्स टू ग्रो. न्यू प्लांट्स को ग्रो करने अलाउ करते हैं. सो दे आर कॉल्ड द नेचुरल फार्मर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट. इसलिए उनको
नेचुरल फार्मर्स कहा जाता है रेन फॉरेस्ट का. नाउ कम टू द ग्रामर ऑफ पार्ट. इन ग्रामर पार्ट यू विल स्टडी अबाउट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? जो नाउन की पोजिशन को बताते हैं. प्रेपोजिशन प्लेस, प्लेस क्या बताएंगे? प्लेस को. ओके, टेल अस वेयर थिंग्स आर, कि थिंग्स कहाँ हैं. अंडर द बेड, बिटवीन समीरा एंड जॉय, प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन. प्रेपोजिशन टाइम, शो अबाउट द टाइम. फ्रॉम एंड टू, जब स्टार्टिंग और एंडिंग होती है. फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, और जनरली जो टाइम आर्स में होगा उसके लिए फोर यूज़ करेंगे. प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, कि कहाँ चीज़ किस डायरेक्शन में हो रही है. डाउन, इन टू, दे क्लाइम डाउन द स्टेप्स, द फ्रॉग जम्प्ड इन टू द पॉन्ड. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल डू दिस एक्सरसाइज लाइक दिस. सी हियर, मेघा विल मीट मी ऑन संडे. बेटा जितने भी डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूजडे, इनके लिए क्या यूज़ करोगे? ऑन. अ चेयर इज कैप्ड. चेयर को कहाँ कैप किया जाएगा? ट्री के नीचे, अंडर द ट्री. फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और इवनिंग, मॉर्निंग, इनके लिए, वैसे तो इन द मॉर्निंग होता है. टाइम के लिए एट सेवन, एट यूज़ किया जाएगा. मिनट्स के लिए, आर्ट्स के लिए फोर. द बॉय ड्रॉप्ड मार्बल्स इन टू द जार. पोजिशन चेंज हो गई, दूसरी पोजिशन में चले गए. इन टू, नतेश, नताशा इज वॉकिंग टुवर्ड्स द स्नेक. डायरेक्शन बता रहे हैं तो क्या यूज़ करोगे? टुवर्ड्स यूज़ करोगे. ओके, नाउ कम टू द वोकैबुलरी पार्ट. सी हियर इन वोकैबुलरी, सी हियर वोकैबुलरी में क्या दिया हुआ है बच्चा? सर्टेन एडजेक्टिव्स कम्बाइंड वेल विद सर्टेन एडवर्ब्स बट नॉट विद अदर्स. कुछ सर्टेन एडजेक्टिव्स होते हैं सर्टेन एडवर्ब्स के साथ ही आते हैं. लाइक एक्सट्रीमली क्लेवर. लाइक दिस यू हैव टू गिवन सम, सी, चूज एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स. यू हैव टू गिवन सम एडवर्ब्स एंड यू हैव टू चूज द एडवर्ब्स अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव. सी, हर फादर इज अ रियली सक्सेसफुल बिजनेस मैन. Interesting, highly interesting. Aware, fully aware. Decorated room, richly decorated room. Called, unusually called. Okay, this is the combinations of adverb with adjective. So you have to study this and you have to learn it. Okay, see here, this is a homophonous word. See, we wait for them beside the fig tree. Besides, fruit hornbill also feed on smaller epithels and egg. In the first sentence, beside means next to. But in second sentence, it meaning is different in addition to. Spelling both are almost similar, but their meanings are different. Okay? See here. Here you have to given two words. Their pronunciation is similar, but spelling and meaning is different. And you have to select the correct spell according to the sentence. Like, see here. Quite, quite. Here quite means to a great degree. Here quite means not noisy. Loose to misplace. Here loose to the opposite of tight. Cloth, here material used to make clothes. Here clothes which you wear. Yani ki ready-made jo clothes hain. Shadowed, the dark area formed beside a thing. When sunlight falls on, jab sunlight girti hai, jo dark area hota hai. That is called shadow. Here shade means protection from the sun. Okay? You have to do this exercise after learn this meaning. Okay, then you can do it. Okay beta, I hope you have understood the chapter and you have to learn difficult words, word meaning and question answer from the chapter. Maine aapko chapter explain kar diya hai, so you can do the learning work very easily. Okay bacha, bye bye and have a nice day.